वन और वन्य जीव संसाधन में ये लेप्चा लोक संगीत से संबंधित वो दिया गया है, आपको ये पता रहना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना यही चीज कि पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कौन है, तो वन है, और इसलिए क्योंकि वो प्राथमिक उत्पादक होता है और इस पर दूसरे जीव निर्भर रहते हैं, है ना, ये हमें इतना चीज इसमें पता होनी चाहिए। ओके, फिर ये तो ठीक। कुछ अनुमान ये कहते हैं, कि भारत में 10% वन वनस्पति जात, 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा, इसमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने के कगार पर। इनमें चीता है, गुलाबी सिर वाली बत्तख है, पहाड़ी कोयल है, जंगली छत्तेदार उल्लू है, मधुका इनसिग्निस क्या है भाई, महुआ की जंगली किस्म है, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हुबरड़िया हेप्टान्यूरोन घास की एक प्रजाति है, नाम क्या है, हुबरड़िया हेप्टान्यूरोन नाम है इसका। तो ये सब इसमें शामिल है जो कहां पे भाई, लुप्त होने के कगार पर है। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े दिखाई देने वाले प्राणियों पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। लुप्त होते वन, भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही, वन विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित इतना 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल या देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। इसमें से सघन वन देखें तो 12.2%, खुला वन 9.14%, मैनग्रोव आपको 0.14% है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार 2013 से सघन वनों के क्षेत्र में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों प्रबंधन की भागीदारी वृक्षारोपण से हुई है। जो वन क्षेत्र में वृद्धि देखी जा रही है वो क्यों हो रही भाई, क्या कारण उसके, तो उसका कारण है वन संरक्षण उपाय, प्रबंधन की भागीदारी और वृक्षारोपण। अब हम विभिन्न प्रकार के पौधे प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसका नाम है IUCN, है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना, इसके अनुसार कई सारी श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो है सामान्य जातियां, तो सामान्य प्रजाति कौन सी है, सामान्य जातियां कौन है, ये वो जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु है, पशु में कुछ भी आ सकता है, साल है, चीड़ है, कृंतक है, कृंतक मतलब रोडेंट्स। संकटग्रस्त जातियां कौन सी हैं, इनके बारे में देखें तो ऐसी जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, ये क्या है, संकटग्रस्त, जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है वो जारी रहती हैं, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई वो जारी भी रहती हैं, तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है, जैसे काला हिरन है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, गैंडा है, शेर पूंछ वाला बंदर है, सिंहपुच्छी बानर का नाम सुना होगा आपने, संगाई हिरण जिसको मणिपुरी हिरण भी कहते हैं, इस जाति में आते हैं। तो संकटग्रस्त में कौन कौन आ गए ये हमको पता हुआ, संकटग्रस्त क्या होते हैं ये भी हमको पता चला, और जो लुप्त हो गए वो नहीं, अभी देखो आगे। सुभेद्य जिसको वल्नरेबल भी बोलेंगे, ये क्या होते हैं भाई, ये ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है, ठीक है, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह कहां पहुंचेंगी, संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी, है ना। तो सबसे खतरनाक स्थिति अभी इन तीनों में से सबसे खतरनाक स्थिति किसकी हो गई, संकटग्रस्त की, है ना भाई, ऐसे लिख दिए संकटग्रस्त। फिर हमने क्या किया, इसकी तरफ ऐसे एरो देकर हमने लिख दिया सुभेद्य, अभी सुभेद से ज्यादा खतरनाक स्थिति संकटग्रस्त की होगी ना। इसमें क्या आएंगे, इसमें आप देखेंगे तो नीली भेड़ आएगी, एशियाई हाथी आएगा, गंगा नदी डॉल्फिन भी आ जाएगा, ये सारे इसके उदाहरण हैं। अगला है दुर्लभ जातियां, शब्द से ही पता चलना चाहिए कि दुर्लभ है, है ना, इन जातियों की संख्या बहुत कम या फिर सुभेद्य है, सुभेद्य मतलब ये वल्नरेबल है, यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है, ठीक है, मतलब दुर्लभ का मतलब बहुत कम हो या फिर सुभेद की स्थिति में पहुंच चुकी हो, इसका मतलब है सुभेद भी क्या है, दुर्लभ की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक स्थिति है, ये बोल सकते हैं हम,
ऐसे बोल बोला जा सकता भाई। यस सर। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल का मिथुन इन जातियों के उदाहरण। ये स्थानिक प्रजातियां हैं। एक है लुप्त जातियां, ये वो जातियां जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। मतलब इनका जहाँ पे ये रहते हैं, यहाँ जहाँ पे रह रहे होते हैं वहाँ जब देखा गया तो ये वहाँ पे वहाँ से गायब नजर आए। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप, पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं, ये लुप्त हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिरवाली बत्तख है ना, ये सब देखते हैं। भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी, सबसे तेज स्तनधारी प्राणी, भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजीब अजूबा और विशिष्ट प्राणी है, विशिष्ट सदस्य है। 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ है, चीता अलग है, तेंदुआ अलग है, ठीक है ना, चीता अलग है, तेंदुआ अलग है। चीते की विशेष पहचान उसकी आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीरनुमा निशान है। चीता का विशेष पहचान क्या है, सॉरी ये आपको पता, उसकी आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीरनुमा निशान है। आप देखेंगे ना तो ऐसे ऐसे होता है, काला काला। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इनकी इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित की जा कर दी गई थी। तो भारत में इसको कब घोषित किया गया था लुप्त, 1952 में। वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात, प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है। यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो इन चारों इन सभी कारणों को हमें ध्यान रखना है ना। अवैध शिकार, तस्करी भी बोल सकते हैं उसे, है ना, औद्योगिकरण, शहरीकरण, आवासीय योजनाओं, आवासीय जो विकास का मामला है, सड़कों का विकास है, सब कुछ जो भी विकास कार्यक्रम चल रहे हैं। यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयां, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। हमें जंगल से बहुत कुछ मिलता है, लकड़ी मिलती जलावन के लिए, ठीक है, छाल मिल जाती है, पत्ते, रबड़, दवाई, भोजन, इस सब सब कुछ मिलता है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान कब हुआ है, उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी, खनन क्रियाओं में वृद्धि से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ उपनिवेश काल में हमको इन वजहों से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। मतलब स्वतंत्रता जब मिली तब भी हमने कृषि का प्रसार किया, और कृषि का प्रसार करने के नाते क्या किया, हमने वन संसाधनों को सिकोड़ दिया, है ना, वन संसाधन बराबर से सिकुड़ रहे हैं। भारत में वन सर्वेक्षण 51 और 80 के बीच में लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्र विशेषकर पूर्वोत्तर मध्य भारत में स्थानांतरित कृषि, झूम खेती जिसको बोलते हैं, इसने भी वन क्षेत्र को प्रभावित किया है। इसको स्लैश और बर्न, स्लैश और बर्न, काटो और जलाओ भी बोलते हैं। खेती के चलते वनों की कटाई या फिर वनों का निम्नीकरण हुआ है। उपनिवेशी वन नीति क्या थी, यहां पे कुछ है हमारे पास, देख सकते हैं ये चीज क्या है। ये साइकेस बिडोमी डायर है। साइकेस बिडोमी डायर क्या होता भाई, पूर्वी घाट पर पाया जाने वाला एक दुर्लभ साइकेड की प्रजाति है, ये जो देख रहे हैं, समझे, हो गया, बिच्छू जैसा दिख रहा है, तो ये हमें पता होना चाहिए साइकेस बिडोमी डायर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, दुर्लभ है ये भी याद रखना। दूसरी बात, यहां पर संकटग्रस्त निकोबारी मेगापोड को भी देख सकते हैं, ये निकोबारी मेगापोड है, ये सब इनको भी आप देख सकते हैं। यहां पर ये जो एरिया, ये चीज दिख रही है आपको, ये वाली चीज जो दिख रही है, ये क्या है, एम्बिलिका राय बीज, एम्बिलिका राय बीज है, ये कच्चे फलों वाला होता है, ये भी संकटग्रस्त औषधीय लता है,
संकटग्रस्त औषधीय लता है। क्या नाम है? एम्बिलिका। एक और आप देख सकते हैं, ये घास जैसा कुछ दिख रहा है, ये क्या है? ये पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाया जाने वाला ऑकलेंड्रा ट्राथ नवनकोरिया गेम्बल पोएसी है। इसका उपयोग किसमें होता है? चटाई और टोकरी बनाने में। ऑकलेंड्रा ट्राथ नवनकोरिया गेम्बल कहाँ मिलता है? पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट में कहाँ मिलता है? दक्षिण भाग में मिलता है। चटाई और टोकरी बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये क्या है ना, इसका उपयोग रोटी जो, ये क्या है? बिच्छू टाइप का भाई। ये कर्नाटक में पाया जाने वाला हेट्रोमिट्रस, नाम याद रखो भाई, हेट्रोमिट्रस कानारेंसिस, हेट्रोमिट्रस कानारेंसिस है ना, ये भी हमको पता रहना चाहिए। ओके चलिए आगे चलते हैं। क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? यहाँ पर एक ऐसे दिया गया है, हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन वृक्षारोपण एनरिचमेंट वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई हैं। कैसे हुई है भाई? ये हमको याद रखना है, संवर्धन वृक्षारोपण या फिर बोले तो वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से दूसरी जातियां खत्म हो गई। उदाहरण के तौर पर इन्होंने बताया है सागवान, सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ है। कहां पर किससे किसका नुकसान हुआ है, किसको बैठाया गया, किसको हटाया गया, कौन कितने में जे क्षेत्र में आया, उसकी वजह से कौन कितना हटा है, ये चीजें भी हमको पता रहनी चाहिए, ठीक है ना। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश में 4,00,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो गए। ठीक है, ध्यान रखिए, वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वनों की बर्बादी में देखिए खनन भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ये आपको पता हो गया। इसने कई प्रजातियों के, ये भी याद रखना, डोलोमाइट के खनन के गंभीर खतरे में है ये, कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया। इसने कई जातियों जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल, के आवागमन मार्ग को बाधित भी किया है। ठीक है, बहुत से वन अधिकारी पर्यावरणविद ये मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशु चारण ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। एक ये भी कारण है भाई, पशु चारण और वन कटाई ईंधन के लिए ये भी जिम्मेदार है। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियां काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काटकर। लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति कैसे होती है? आपको जलावन की लकड़ी चाहिए तो क्या करेंगे, पूरा पेड़ काटेंगे, उसकी सूखी टहनी काट लेंगे, गिरी हुई लकड़ी उठा लेंगे, उससे काम चला लेंगे। ये तो एक गलत हो गया, गलत धारणा हो गई। लेकिन अगर उसी लकड़ी का हम व्यापारिक तौर पर इस्तेमाल करने लग जाए, तब उसकी आपूर्ति हम बीन कर नहीं कर सकते, फिर हमको काटना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए। वन पारिस्थितिक तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थ खनिज और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी पैदा करते हैं। सर कुछ मतलब ये, ठीक है, ये हमें याद रखने, हिमालय हिमालयन यव संकट में, ये क्या है भाई? हिमालयन यव क्या है? यव हिमालयन यव चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। हिमालयन यव चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधा होता है। हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्र में पाया जाता है। पेड़ों की छाल पत्तियों टहनियों और जड़ों से टकसोल, तो इसके यहाँ से टकसोल नामक रसायन निकाला जाता है। इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवा विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया। ठीक है, अत्यधिक निष्कासन से पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जैव विविधता को
कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो जीव वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना, उनका आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण, विषाक्तिकरण, दावानल, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। ठीक है, जैव विविधता कम करने के कारक में इन चीजों को हमें याद रखना है पॉइंट पॉइंट करके। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा भी है। पर्यावरण विनाश के अन्य जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? संसाधनों का असमान बंटवारा, उनका असमान उपभोग, पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता, ये सारी चीजें भी शामिल हैं। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी क्या है? अत्यधिक जनसंख्या। विकासशील देशों में देखा जाए तो पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी माना जाता है अत्यधिक जनसंख्या को। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज्यादा है, ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। प्रश्न ये है कि कौन, क्या और कहां से कितना उपभोग कर रहा है? क्या आप जानते हैं भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके, एक तिहाई जलमग्न भूमि सूख चुकी है, 70% रात्रि जल प्रदूषित है, 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है, जंगली जानवरों के शिकार, व्यापार, वाणिज्य के दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। क्या आपको ये चीजें पता है? तो वनों और वन जीवन का जो विनाश है मात्र जीव विज्ञान का ही विषय नहीं है, बल्कि आप सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में भी देख सकते हैं, है ना, आर्थिक या अर्थव्यवस्था में भी देख सकते हैं, भूगोल के रूप में देख सकते हैं, एनवायरमेंट के रूप में भी देख सकते हैं, है ना, अनेक रूपों में इसको देखा जा सकता है। क्योंकि एक चीज आपको पता होना चाहिए, गरीबी जो अर्थशास्त्र का विषय है वो एक एनवायरमेंटल इश्यूज का विषय बन सकता है, सामाजिक मुद्दा भी बन सकता है ना, कई सारे मुद्दे हो सकते हैं। ठीक है, जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां जैसे वनों और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैव विनाश जो आपका है, संसाधनों का भी जो विनाश, जैव संसाधनों का जो विनाश है वो हमारी सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना, जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां वनों पर आधारित समुदाय भी निर्धन होते जा रहे हैं, आर्थिक रूप से वो हाशिए पर पहुंच रहे हैं। ठीक है ना, चलिए, ये समुदाय खाने पीने औषधि संस्कृति अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर था, शहद की जरूरत पड़ती थी। राजा महाराजा लोग जो होते थे उनका वनों में रहने वाले लोगों से कोई सीधा संपर्क नहीं था, कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता था, लेकिन जरूरत उनसे भी पड़ती थी। अगर वनों से लकड़ी चाहिए तो कौन लेके आएगा? जंगल में रहने वाले लोग लाएंगे। उनको राजा को शहद चाहिए था, गांव में किसी को भी शहद चाहिए था तो वो उनसे ही संपर्क साधता था। बात समझे? ठीक है, गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। गरीब वर्ग में भी महिलाएं जो है ना पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी? महिलाओं की होती। कई सारे समाज ऐसे हैं जैसे इन संसाधनों की कमी होती जा रही, महिलाओं पर कार्यभार भी बढ़ता जा रहा है। कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। वन कटाई का जो प्रभाव देखने को मिलता है, सूखा और बाढ़, इससे गरीब ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम है, ऐसे हम बोल सकते हैं, गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है, तथा आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के चलते इनका संरक्षण बहुत जरूरी हो गया, परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? क्यों जरूरी है वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करना? संरक्षण से क्या मिलेगा हमको? पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, एक चीज तो ये याद रखना है। हमारे जो जीवन साध्य संसाधन हैं वो बने रहते हैं पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है,
ये विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है, जो पर्यावरण संरक्षण है। विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960-70 के दशक दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की और भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 72 में लागू किया गया, जिसमें क्या किया गया, वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। ये पता होना चाहिए इसमें किसके प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई इसी कार्यक्रम के तहत, इसी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत। क्या हुआ, बची हुई संकट ग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीवन आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। इस 1972 के अधिनियम के तहत ऐसा किया गया। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार, कई राज्य सरकार, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। उसके बाद हमारे यहाँ क्या आया, राष्ट्रीय उद्यान आए, वन्य जीव पशु विहार आए। इनके बारे में हम सब पहले पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य क्या रहा, गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना। इन प्राणियों में बाघ है, एक सींग वाला गैंडा है, कश्मीरी हिरण है, हंगुल जिसको बोलते हैं, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवण जल मगरमच्छ और घड़ियाल, इसे लवण जल मगर भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लवण जल मगर भी बोलते हैं, ठीक है। एशियाई शेर अन्य प्राणी शामिल। इसके अलावा कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गुडावन, भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन जिसको बस्टर्ड बोलते हैं, हिम तेंदुआ के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया है। बाघ परियोजना के बारे में देखते हैं। वन जीवन संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या जो थी, 55,000 से घटकर 1827 रह गई थी। कब, 1973 में ऐसा हुआ। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, बाघों का जो विनाश हुआ है उसका मूल कारण क्या रहा है, चोरी करना, आवासीय स्थल का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या का कम होना, जनसंख्या में मानवीय जनसंख्या की बात चल रही, बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघों की संख्या के घटने का मूल कारण क्या क्या है, तो हमें ये पता चल गया, व्यापार के लिए उनको मारकर उनकी चोरी करना, आवासीय स्थल का विनाश, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या का कम होना और जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है, ये 4 कारण है इसके। बाघों की खाल का व्यापार, उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, कौन कौन, भारत और नेपाल, अतः ये देश ही शिकार, चोरी, गैर कानूनी व्यापार करने वालों के लिए के मुख्य निशाने पर हैं। चलो, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत कब हुई, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है 1973 में। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं, बल्कि बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। सिर्फ बाघ को बचाना नहीं, बहुत बड़े आकार जो जैव जाति उनको भी बचाना। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस और केरल में पेरियार भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। वैसे आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहां से हुई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी जिम कार्बेट से, यह बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, ना कि इसके विभिन्न घटकों पर। आजकल जो संरक्षण परियोजनाएं चल रही हैं वो जैव विविधताओं पर केंद्रित है, ठीक है। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही, संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीवन अधिनियम 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों, एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। 1980 और 86 वन्य जीव अधिनियम के तहत, वन्य जीव अधिनियम 1980 में भी आया, 1986 में भी आया, दो दो बार आया है, ये बात याद रखनी है। 91 में
पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। कौन सी सूची में रखी गई भाई? संरक्षण की सूची में, वन जीव अधिनियम के तहत शामिल की गई। किसकी? पौधों की 6 प्रजातियां, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और उनका वितरण। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है ना, अपेक्षाकृत कठिन है उनका प्रबंधन। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में आते हैं। देखो एक चीज ये याद रखना, भारत में सभी वन और वन्य जीव या अधिकतर वन और वन्य जीवन प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है यह कहना गलत है। सही यह होगा, अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के नियंत्रण अधिकार क्षेत्र में है या फिर वन विभाग या फिर अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में शामिल है। अब इसमें बता रहे हैं आरक्षित वन क्या होते हैं। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के मामले में आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, ये देखो ये घड़ियाल है, ये घड़ियाल है, ये घड़ियाल है, ठीक है। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। ये रक्षित वन हो गए, वो आरक्षित वन है। चलिए अवर्गीकृत क्या होते हैं फिर? अन्य सभी प्रकार के वन, बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति, समुदाय के स्वामित्व में होते वो अवर्गीकृत होते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव आरक्षित और रक्षित वन ऐसे वन क्षेत्र हैं, स्थायी वन क्षेत्र होते हैं आरक्षित और रक्षित, जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी अन्य वन पदार्थों उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। सबसे अधिक हमको आरक्षित वन कहां से मिलेंगे देखने को, स्थायी वन कहां मिलेंगे? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा फिर जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी इनका अनुपात ज्यादा ही है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। बड़ा अनुपात है लेकिन बहुत अधिक नहीं। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र आवर्गीकृत हैं, ये आपको याद रखना चाहिए, तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। समुदाय और वन संरक्षण की बात करेंगे। वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, ये हमको याद रखना है, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। सरिस्का, कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं, सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं करते हैं। कई ऐसे क्षेत्र देखने को मिलेंगे। राजस्थान के अलवर जिला में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकौ सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं, बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहां वन्य जीवन को बचाते भी हैं। क्या नाम है? भैरव देव डाको सेंचुरी। कहां पे है ये? अलवर जिला में है। वहां के स्थानीय समुदायों के द्वारा यह संरक्षित किया गया है। सरकार को भी हस्तक्षेप का यहां पे वो नहीं देते हैं, वो सरकार भी हस्तक्षेप नहीं करेगी भाई। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल और कौमार्य रूप में बचाकर रखा, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट कहते हैं, देवी देवताओं के वन बोलते हैं इनको। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते तथा ना ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते, मतलब ये लोग भी नहीं जाते और किसी को जाने भी नहीं देते। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। कौन?
मुंडा और संथाल। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। ओडिशा और बिहार में ऐसा है। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। यस सर। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं। प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति की कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों, पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते मंदिर के भक्तों में उनकी गिनती होती है। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा हैं और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, बल्कि यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। तो चिपको आंदोलन ने क्या किया है, सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल कैसे बनाया जाए, इस बात को उसने साबित कर दिखाया। ठीक है ना। सिर्फ उसने पेड़ों को बचाया ही नहीं है, उसने बता दिया कि भैया सामुदायिक वनीकरण अभियान अगर चलाया जाए तो उसको किस किन किन तरीकों से सफल बनाया जा सकता है। चिपको आंदोलन ने इस बात को साबित किया। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के लिए नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। तेहरे में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन, आपको याद रखना चाहिए, नवदानय ने दिखा दिया है बीज बचाओ आंदोलन और नवदानय, ये कहाँ का है, टिहरी का है। टिहरी में किसानों का आंदोलन है ये कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। ठीक है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं औपचारिक रूप से। ठीक है ना। संयुक्त प्रबंधन कार्यक्रम जो है ये क्या करते हैं, ये क्षरित वनों के प्रबंध पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं, इस तरीके से याद रखने की जरूरत है। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 88 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। 88 में ओडिशा के संयुक्त वन प्रबंधन के पहले प्रस्ताव के साथ ही कौन सा, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। मतलब सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया, कहां पे, उड़ीसा में। कब किया गया, 88 में किया गया। इसी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्या काम करता है, वन विभाग के अंतर्गत आता भाई, क्षरित वनों के बचाव के लिए काम करता है, याद रखने की जरूरत है। इससे गाँव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है। संयुक्त वन प्रबंधन के बारे में भाई याद रखना है, क्षरित वनों के बचाव के लिए काम करता है, गाँव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से काम करते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन में कौन कौन, ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी मिलजुल कर काम करते हैं। क्या काम करते हैं ये भी पता होना चाहिए। इसके बदले ये समुदाय क्या करते हैं, मध्य स्तरीय लाभ। मध्य स्तरीय लाभ क्या है, इनके गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं। सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, ये ठीक है, परंतु स्थानीय समुदाय फैसले लेने की प्रक्रिया मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वही विकास प्रक्रिया मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो और पर्यावरण हितैषी हो, आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। यहां पर गौतम बुद्ध का एक कथन है 487 ईसा पूर्व में, जो इनके द्वारा कहा गया था, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदार पूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता, दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है, ये सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। ये गौतम बुद्ध का कथन है और इसे भी हम याद रख सकते हैं, इस बेस पर याद रख कि मान लीजिए मेंस में जब आप लिखें तब तो बात अलग है, तो भाई आएगा ही काम। उसके अलावा मान लीजिए कि पीटी में ये स्टेटमेंट दे दिया गया और पूछ लिया गया उपरोक्त कथन किससे संबंधित है या कब दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए ये वाला कथन भाई गौतम बुद्ध से संबंधित है। ठीक है। इसमें देखिए प्रश्न भी कई सारे दिए गए हैं। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है, कृषि प्रसार है ना भाई, कृषि प्रसार है। ठीक है। बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं भी हैं, तीव्र औद्योगिकरण शहरीकरण भी है, पशुचारण और पहला होगा कृषि प्रसार,
पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ये भी है ना। तो इनमें से कौन सा है ऐसा जो इसके ह्रास का सही कारण नहीं है, कौन बता रहा है? ऑप्शन वन ह्रास थोड़ी ना होगा, बताइए। सर कृषि प्रसार होने से, देखो प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है, नहीं है। कृषि प्रसार, बृहत स्तरीय विकास परियोजना, पशु चारण, ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, अब बताओ। सर घ होगा, कौन सा घ वाला, ये कृषि प्रसार से भी वनस्पति का ह्रास होता है, क्योंकि हम कृषि के लिए फिर जब वो जनसंख्या ज्यादा होती है तो काटते हैं मतलब जंगल को। बृहत स्तरीय विकास परियोजना हो जाए, कौन सा बता रहे हैं, कौन सा बता रहे हैं? खा नंबर सही में चारों कंफ्यूजिंग लग रहा है एकदम। अरे ईंधन की लकड़ी एकत्रित करने से कौन सा नुकसान होगा हमको बताओ पहले, ईंधन की लकड़ी एकत्रित की जाएगी तो कौन सा नुकसान हो जाएगा जंगल से? पशुचारण भी तो दे रहा है, वही तो पशुचारण भी है उसमें। तो पशुचारण सर, अच्छा जानवर जाएगा चरने तो क्या पेड़ उखाड़ के लेके भागेगा वहां से? नहीं नहीं, अतिचारण होता है तब प्रॉब्लम होता है सर, पशुचारण है यही हम ध्यान नहीं दिया, सिर्फ पशुचारण है। सॉरी सर, इससे भूमि का दोहन होता है। दूसरा देखो, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन जीव पशु विहार का परिसीमन। बोलो भाई, ये होना चाहिए वन्य जीव पशु विहार है ना, परिसीमन, सेंचुरी का परिसीमन ग्रामीण समुदाय कर सकता है? नहीं सर, वो तो सरकार के हाथ में है ना, राज्य सरकार के हाथ में हो जाएगा। यहाँ पर देखो, काला हिरण कौन समय आएगा, लुप्त है, दुर्लभ, संकट का सुभेद, स्थानिक संकट ग्रस्त, हिमालय पर भालू, गुलाबी ठीक है, एशियाई हाथी, हाथी लुप्त, एशियाई हाथी लुप्त होगा सर, जो ये नीचे वाला है ना गुलाबी सिर वाली बत्तख है, वो लुप्त में आएगा। एशियाई हाथी किसमें आएगा? सुभेद में, सुभेद ठीक है। अंडमानी जंगली सुअर किसमें जाएगा? स्थानिक में। हिमालयन भूरा भालू दुर्लभ हो जाएगा सर, दुर्लभ हो जाएगा, और ये गुलाबी सिर वाली लुप्त हो जाएगा। आरक्षित वन क्या है भाई? सर इस दूसरा वाला, वन्य और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान। वेरी गुड, रक्षित वन क्या हो गए फिर? रक्षित वन क्या हो गए? जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है। अभी की तो सरकार देखती है। फिर अवर्गीकृत वाला जो है अपना रहेगा ही रहेगा, है ना? इस तरीके से हमें याद रखना है।